बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दो किस्म की चटनियाँ, एक ये इमली की और एक ये आलू बुखारे की। आलू बुखारा आप काला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो। तो इसमें हम पानी डाल के ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी है और इमली का हाफ पैकेट मैंने लिया था छोटा, तो इसको अब देख ये गर्म हो जाए ताकि ये सारी इसमें घुल जाए, तो ये इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। तो ये आलू बुखारा इसी तरह इसमें भी पानी डाल के, यानी कि जितना आपके पास आलू बुखारा है, जितनी इमली है, आप इतना पानी डालेंगे कि जितनी चीज़ है उसका डबल पानी आपने डालना है। इसको हम उबलने के लिए रख देंगे, इसमें कुछ नहीं डालना, ना कोई नमक ना कोई और चीज़। जब इसको उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे, चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको बस थोड़ा सा मैश कर लें ताकि ये खुल जाए और जल्दी ये बन जाए। तो इसको जैसे फिर उबाल आता है तो फिर हम इसमें जो है ना वो नमक और बाकी जो भी डालना है ना वो फिर हम डालेंगे। ये हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, थोड़ी सी इसमें मिर्चें भी जाएंगी, चीनी भी जाएगी, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये अभी चीनी डाल के बनाऊंगी। जो आप किसी भी चना चाट के ऊपर भी डाल सकते हैं, रोस्ट के साथ खा सकते हैं, यानी कि हर चीज़ के साथ खाई जा सकती है, समोसे के साथ। रमज़ान के लिए जो है ना वो बेस्ट है, अगर आप बना के रख लें तो 15 दिन के लिए आप इन दोनों चटनियों को स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए उबाल आ चुका है, इसको ठीक ठाक उबाल आ चुके हैं और ये गल चुका है टोटल जो है ना, ये आलू बुखारा आप देख रहे होंगे गल चुके। इसको हमने कोई नहीं भिगोया, डायरेक्ट जो है वो इससे पैकेट से निकाल के तो इसमें डाल दिया था। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डाल देंगे। और ये जो इमली की चटनी है ये भी हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि इसका बूदा पूरा जो है ना वो उसमें पानी में निकल जाए। तो इसको छान लेते हैं। तो दूसरा एक ये है कि जब आप इमली की ख़ास तौर पे चटनी बनाएं ना, इस तरह मीठी बनाएं या खट्टी बनाएं, जैसी भी बनाएं, तो आप स्टील का बर्तन यूज़ करें क्योंकि इसमें खटास ज़्यादा होती है। अगर आप सिल्वर स्टील में या किसी और में करेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको प्योर स्टील वाले में बनाएं। हम बीच में इसको हिलाते रहे थे और ये यानी कि सारा इसका पल्प जो है वो पानी में आ गया। इसको भी हमने कोई नहीं भिगोया। तो इसको अब छानते हैं और फिर इसमें चीनी और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें से निकाल लिया, ठीक है, अब हम इसमें बाकी जो है चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये आप देख लें, ये पल्प जो है इसका ठीक ठाक निकला है। इसमें अब चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन ये वाला गहराई वाला चम्मच है, ये 1.5 चम्मच हमने डाला है, बाकी फिर बाद में देखेंगे कि और कितना डालना है। नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 से भी कम डाली है मैंने ना, वो बाद में चेक करके तो फिर हम इसको करेंगे। तो लाल मिर्च पीसी हुई 1/2 टीस्पून। इसमें हम कोई कॉर्नफ्लोर या कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको इसी में थिक करेंगे, ना कोई कलर हम ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें आ जाते हैं, इसका भी ये देखें पल्प पूरा जो है वो हो गया। आप हल्का सा यही चम्मच यूँ मारेंगे तो ये थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि आलू बुखारे सारे जो हैं वो मसले ना जाएं, बस कुछ जो हैं वो मसले जाएं। इसमें भी हम चीनी डालेंगे, इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 से भी कम टीस्पून, क्योंकि ये हमने थोड़ी सी मीठी रखनी है। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे 1 चुटकी के बराबर। तो इसको हम पकाएंगे जब ये यानी कि थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें हम कोई कलर नहीं इसमें भी ऐड करेंगे, जो आलू बुखारे का नेचुरल कलर है यही कलर रहेगा। तो आप अगर यानी कि इसमें रेड फूड जो है कलर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, जर्दा कलर या कुछ, तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। ये भी देख लें, इसकी यानी कि जो है ये गल चुका है पूरा जो आलू बुखारा है हमारा, साबुत दाने भी कुछ हैं, कुछ गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं। तो इसका चूल्हा हम करेंगे बंद और ये भी हमारी जो है ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है चीनी और ऐड की है, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड की है और 1/2 चम्मच के करीब नमक और ऐड किया है इसमें,
क्योंकि वो कम था, खट्टी ज़्यादा लग रही थी। बाकी और वही है जो पहले चीज़ें ऐड की हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं की। इसकी आप ये थिकनेस देख सकते हैं, तो ये भी रेडी हो गई है। तो इनको हम करते हैं उसमें प्याले में निकाल के, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ जब ये पक जाए, तैयार हो जाए, तो इनमें थोड़ा सा आप खुशबू के लिए केवड़ा डाल सकते हैं चंद कतरे, इसमें भी और इसमें भी। इसका भी हम चूल्हा करते हैं बंद, क्योंकि ये अभी जब ठंडी हो जाएगी तो फिर ये थिक हो जाएगी और मज़ीद। तो इसको हम प्याली में निकाल के तो आपको इसकी इसको दिखाते हैं दोबारा दोनों को।